Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. लो रहे होंगे छोटे मोटे, मम्मी तो रखती है, पर मम्मी को यहीं रख के ये खाली पड़े हैं सारे के सारे। हां नहीं मुझे इसका तो देखो इसे तोड़े हाथ है ना, पत्थर पत्थर पड़ा है। हां ये देख अंदर ही वहां से निकाल के ले। ना लाके बैठ के चेक करा, कुछ भी नहीं, सब सब खाली है। थोड़ा सा ये लॉक खोला है, इधर वाला गेट बंद करिए आप, ये वाला सामान सामान जाएगा ना। मेरे तो घर में दिन में चोरी हुई थी, सुबह 10 से 12 के बीच में, और मैं अपनी बिटिया को कॉलेज छोड़ने गई थी, उस दौरान हुई। जब मैं घर आई तो गार्ड यहाँ नहीं थी, मैंने खुद ऑफिस जाके बताया कि भाई मेरे घर के ताले टूटे हुए हैं, गेट खुले हुए हैं, और मेरे घर में ऐसा कुछ मतलब छानबीन नहीं की, जो मेरे हॉल में पैसे पड़े थे उन्हीं को उठा के चोर भाग गया था। नाम बता दिया आपने? मेरा नाम अनीता गाड़े है, और पूरे 1 साल से मैं अंसल ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ कि भाई मेरे पेमेंट का क्या हुआ, अब उसका क्या मतलब आगे क्या करेंगे, उसके लिए उसका कोई जवाब नहीं है। कितना समय हो गया यहाँ पे फ्लैट खरीदे हुए? मुझे तो यहाँ पे हो गए 7-8 साल हो गए, हमने 2010 में लिया था ये। ठीक। मेरे को सुबह फोन किया गया 11:30 बजे कि मेरे अंसल विला में चोरी हो गई है, तो मेरे को बताया गया कि मेरे घर का जो है ताला और ये सब चीज़ तोड़ दी गई है। फिर मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, आने के बाद मैंने बीच में बात भी करी, तो यहाँ आने के बाद ना तो कोई अंसल का रिप्रेजेंटेटिव मेरे यहाँ आया, उनका सिक्योरिटी गार्ड वगैरह यहाँ रहते नहीं है, ऊपर से जब अगर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो एक ही चीज़ कहते हैं कि आप मेंटेनेंस अगर नहीं दोगे तो हम ऐसे ही चलने देंगे। तो इस चीज़ को लेकर के एक इशू है। बाकी अभी मेरे घर में मैंने देखा कि ज्वेलरी और ये सब चीज़ जो है वो मिसिंग है, अब उसकी डिटेल रिपोर्ट में बना के अपने गेगल थाने में सबमिट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि FIR जल्दी से जल्दी। अब तक कितनी चोरी हो चुकी है यहाँ पर? मेरे हिसाब से 1 साल में कम से कम 10वीं चोरी है जो अभी दी गई है, और चोरियों का सबका जो पैटर्न है वो सबका सेम है, वो उनको पता रहता है कि कौन घर में है कौन घर में नहीं है, उस हिसाब से वो चीज़ को प्लान करते हैं गए वो उनकी और उन्हीं घर में फिर वो उस चोरी को अंजाम देते हैं। अच्छा गार्ड्स की हम बात करें तो गार्ड्स जो हैं किस तरीके से गार्ड लगा रखे हैं इन्होंने? गार्ड बीइंग इन सिक्योरिटी मेरे पास भी है लाइसेंस, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं इनके पास जो गार्ड एजेंसी इन्होंने ले रखी उसके पास लाइसेंस भी है, या इनके गार्ड जो है वो ट्रेन भी हैं, वो बेसिकली लोकलाइज हैं, और शायद उनको नहीं पता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो फील्ड है उसके अंदर उनको किस तरीके से क्या काम करना चाहिए, क्या उनकी ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनको नहीं पता, और ना ही अंसल मैनेजमेंट इस चीज़ के अंदर कभी ये चीज़ रखता है या उनको सिखाने की भी कोशिश करता है, बाकी जैसे चल रहा है वैसे चलने में ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। आपके कितना नुकसान हुआ है? मैं अभी कैलकुलेट करूँगा, ऑलमोस्ट मेरे को जहाँ तक लगता है जिस हिसाब से इन्होंने लिया है तो 3-4 के आसपास तो मेरे को लगता ही होगा। नाम बता दीजिए। चंद्रजीत यादव।